Hey guys, a very welcome back to my channel. So I hope you guys are doing well. So आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक 15 minutes वाला स्किन केयर रूटीन, जो आप कहीं पे जाने से पहले within 15 minutes ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो टू क्रिएट द इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस. सो कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं लेके बैठी हूँ आज, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है और उसके साथ मैं एक खूबसूरत सा स्टेप बाई स्टेप वो फेशियल बोल सकते हो या फिर स्किन केयर जो भी है ट्रीटमेंट या फिर स्किन को थोड़ा रिलैक्सेशन करने के लिए हम लोग वो करेंगे फटाफट. तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को बोल देती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ आज. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो एट फर्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कारा का रिफ्रेश जो रिफ्रेशिंग वाइप्स है इसको. तो मैं फटाफट से अपना फेस को क्लीन कर लेती हूँ. और ये जो स्किन केयर स्टेप है ये बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो कहीं पे जाने के लिए, और आप यूजुअल नॉर्मल डे में आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर ये जो स्टेप है ये आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो क्लीन हो. सो मैंने अपने फेस को फटाफट क्लीन कर लिया है. सो यू कैन सी कि कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेस वॉश करके ही बैठी थी. और ये जो जितना सारा मैं 5 प्रोडक्ट लेके बैठी हूँ, आप इसको कैरी कर सकते हो कहीं पे भी. कहीं पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ये बहुत सा ज़्यादा मिनी पैक है, तो आप ये ट्रैवल किट के हिसाब से आप इसको लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो. बहुत मिनिमम स्पेस ये आपका यूज़ करेगा. ठीक है, सो ओके, सो आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट आई एम यूजिंग अर्थ गुडनेस का ये जो सैंडलवुड फेस स्क्रब है इसको. ये भी बहुत ज़्यादा मिनी पैक है और ये बहुत रिजनेबल प्राइस में आता है. मैं आपको प्राइस आपको स्क्रीन में दिख जाएगा. ठीक है, और मैं हर प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्क्रबर है फ्रॉम अर्थ गुडनेस, और इसका जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा वो है हेल्प्स डिटॉक्सिफाई द स्किन, कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन एंड लाइटन ब्लेमिशेस. ओके, सो दिस एंड इसका जो साइज है 30 ग्राम का ये ट्यूब आता है. सो आई एम यूजिंग दिस. आई थिंक दिस इज एनफ. सो मैं थोड़ा सा हाथ में वाटर ले लूँगी. और सो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आई मीन द सेकेंड वन. फर्स्ट इज़ यू नीड टू क्लीन योर फेस विद द टोनर और एनी वाइप्स, एंड देन यू हैव टू ऐड और यू हैव टू स्क्रब योर फेस सो दैट आपका जो डेड सेल है वो बहुत ईजीली रिमूव हो जाए, जो ब्लैक हेड्स है वो रिमूव हो जाए और आपका स्किन जो है अंदर से एक ग्लोइंग इफेक्ट आ जाए. सो ये आपको 2-3 मिनट जस्ट मसाज करना है लाइक दिस वे. अगर आपको मसाज का टेक्निक जानना है या फिर कैसे आपको करना है, ये इस टाइप का वीडियो मैंने बहुत सारा ऑलरेडी प्रीवियसली मैं क्रिएट किया है मैंने, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो. सो फ्रॉम देयर यू कैन लर्न हाउ टू मसाज योर फेस. ओके, सो और मेक श्योर कि आप अपने आई एरिया को छोड़ के ये सब प्रोडक्ट यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव आपका जो ये एरिया होता है थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर करें, अवॉइड करें तो ही बेहतर है. मेक श्योर कि आप अपर पोजीशन में इसको लिफ्ट करें आपकी स्किन को. ये मसाज आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप मसाज करेंगे आपके फेस को और उससे अच्छा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है, आपका स्किन जो है वो बहुत रिलैक्स फील करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वीक में एक बार आप ये प्रोसेस ट्राई कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप अपना स्किन में जो है डिफरेंस तो नोटिस करोगे. नॉर्मली मैं करती हूँ 15 डेज में एक बार, मुझे करना ही होता है. मेरा नॉर्मली
कोई ब्लैक हेड्स नहीं है नोज़ एरिया में, सो मुझे उतना प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आपका ब्लैक हेड्स से बहुत ज़्यादा, तो आप ब्लैक हेड्स रिमूवर जो मिलता है उससे आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हो। और अगर ब्लैक हेड्स निकालने के लिए घर में अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, गर्म पानी नहीं, कॉटन का कुछ भी डाल के, टावल हो या फिर कोई भी कपड़ा हो, उसमें डाल के आपको पहले अपने फेस पे वो हॉट टावल देना है। देने के बाद जब अपना आपका स्किन जो है वो जो सॉफ्ट हो जाएगा, उस टाइम पे आपको ब्लैक हेड्स निकाल लेना है, ठीक है। ओके, सो नाउ आई विल क्लीन दिस अप। एक टब में पानी लेके बैठी हूँ मैं, सो वही वाला जो वाइप है मैं उसको थोड़ा पानी में डाल के मैं क्लीन कर लूँगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है एम कैफिन का नेकेड एंड रॉ एस्प्रेसो जो कॉफ़ी फेस मास्क है, ये मैं यूज़ करूँगी। ये है आपका ट्रैवल पैक और इसमें कुछ प्राइस लिखा नहीं रहता है, क्योंकि ये मुझे नॉर्मली जो मैंने बड़ा पैक खरीदा था तो उसमें मुझे ये ट्रैवल किट के हिसाब से फ्री में मिला था, सो यहाँ पर प्राइस आपको इसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिग टब खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपको एम कैफिन में बहुत सारा ट्रैवल पैक मिल जाता है। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। सो इसका अगर आप बड़ा पैक खरीदना चाहते हो सो आपको वो नायका से मिल जाएगा, एम कैफिन के साइट से भी मिल जाएगा। आपका कॉस्ट पड़ेगा 515 रुपीज़। तो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको वीक में 2 to 3 times यूज़ कर सकते हो। और इसका जो पेस्ट है इसको लेके आपको थिन लेयर आपको क्रिएट करना है, और 10 to 15 minutes तक आपको इसको रखना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 10 मिनट तक भी रख सकते हो, जितना आप रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो ये आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली बेटर रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 2 times यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली आपको एक चेंजेस और रिजल्ट आपको मिलेगा आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। दिस इज SLS फ्री, पैराबन फ्री एंड एनिमल टेस्ट फ्री। आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट यू विल गेट द फ्लॉलेस स्किन एंड ग्लोइंग स्किन फ्रॉम विद इन। ये है यूजुअली द कॉफ। मैंने यहाँ पे ये एक फ्लैट ब्रश ले लिया है जिसको मैं यूज़ करूँगी टू अप्लाई द प्रोडक्ट ऑन माई फेस। तो दैट्स इट, आपको इतना ही यूज़ करना है और आपको सिर्फ 10 to 15 minutes तक वेट करना है। सो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 15 minutes तक वेट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 5 to 7 minutes तक भी आप यूज़ कर सकते हो इसको रख। तो वी हैव ऑलरेडी ओवर 10 minutes, सो मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। ओके, सो लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप है वो है एक शीट मास्क। सो मैंने बहुत सारा शीट मास्क नायका से परचेस किया है रिसेंटली, और नायका से मैंने 25 प्रोडक्ट परचेस किया है जिसका अभी भी मैंने शेयर नहीं किया है आप लोगों को। जो लास्ट टाइम जो सेल आया था उस टाइम पे मैंने परचेस किया है, जहाँ पे मैंने 5 शीट मास्क के साथ 5 मुझे फ्री में मिला है। सो आई हैव परचेस दोज शीट मास्क। और ये अलग से मैंने एक परचेस किया था जिसका कॉस्ट था 70 रुपीज़। ओके, दिस इज़ पम्पकिन मास्क शीट। ओके, सो इसके अंदर आपको दिस गुड। नॉर्मली जितना सारा शीट मास्क मैंने देखा है वहाँ यहाँ पे थिकनेस वाला क्रीम है, पम्पकिन वाला पेस्ट है, इसमें वाइट है एकदम। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इतने से बहुत ज़्यादा। सो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो मैं इसको रखूँगी एटलीस्ट 10 मिनट्स, और
ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, आप इसको ये जितना सारा मैंने स्टेप दिखाया उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब ट्राई कर सकते हो, या फिर इसको अलग से आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, यू कैन सी कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक. सो हाँ बस ओके. सो मैंने 10 मिनट्स रख लिया है, तो अभी मैं इसको हटा दूँगी. सो इसका जो क्रीम है, जो पेस्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी. गाइज यू कैन सी कि मेरे फेस में ऑलरेडी इंस्टेंट ग्लो आ गया है, और जितना ज़्यादा टाइम जाएगा वो ग्लोइंग इफेक्ट एक अंदर से निखर के आएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंस्टेंट मेरे स्किन में स्किन जितना पहले लग रहा था थोड़ा डार्किंग टाइप का, अभी जो है, अभी देखिए मेरे इस पोर्शन में पूरा क्लीन हो गया है, ये पोर्शन भी क्लीन हो गया है. दिस इज़ अमेजिंग. आप ये मैं जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया ये स्टेप आप फॉलो कीजिए वीक में एक बार. अगर एक बार नहीं हो पाता है वीक में, तो 15 डेज में एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए. ये आपके स्किन को एक रिलैक्सेशन देगा, एक अंदर से ग्लोइंग इफेक्ट आएगा, आपके स्किन का जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. डेफिनेटली आपका स्किन अगर अंदर से अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा, फ्लॉलेस रहेगा, तो आप अगर मेकअप भी करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, और उतना ज़्यादा मेकअप का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो डेफिनेटली मैं तो प्रेफर करती हूँ स्किन को केयर करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं सब ये सब चीज़ यूज़ करती हूँ. मेरे पास और भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी. और जितना सारा मैंने प्रोडक्ट अभी यूज़ किया है, दोज आर अमेजिंग. स्पेशली जो ये एम कैफिन का ये जो प्रोडक्ट है, ये अमेजिंग है. इसको अप्लाई करने के बाद जब मैंने क्लीन किया, आपने खुद देखा कि कितना ज़्यादा ब्राइटन अप एक हो गया था फेस. और इसके साथ साथ जो मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो यूज़ किया है, ये फेस मास्क शीट, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल, दिस आर माई लिंक्स, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज. और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए. और मैं ज़्यादातर स्किन केयर और मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, डेफिनेटली फॉलो कीजिए. और यस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा जो इतना कम टाइम में जो स्किन केयर रूटीन था, वो इतने अच्छे से फ्लॉलेस मुझे दिख रहा है. मेरे स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है, ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है. सो डेफिनेटली आई एम वेरी मच हैप्पी. और आप भी ट्राई कीजिए घर पे, और आपको भी ये रिजल्ट मिलेगा. और मैं सारा प्रोडक्ट का लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. सो टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप लविंग मी. बाय बाय.